हाय गाइस, वेलकम टू टिश्यू टैंक। आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग बिटवीन ब्लॉगिंग, बी फॉर ब्लॉगिंग वी फॉर ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है हम बात करते हैं, पहले लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं ब्लॉगिंग क्या होता है। जैसे कि मान लेते ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में क्या होता है कि हम किस चीज़ पे इंटरेस्ट होते हैं, हमारा नीज क्या होता है और हम किस चीज़ को करने में इंटरेस्ट करते हैं, उसको हम लिख के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। हमारा नीश कुछ आर्टिकल वगैरह और जो भी है हम लिख के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कि ब्लॉगिंग। मतलब ब्लॉग, एक आपको एक ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग पे आप सारे चीज़ लिख के लोगों को बताना है, बस उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग, आसान भाषा में। और ब्लॉगिंग वी फॉर ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या होता है, हम ऐसे कैमरा सामने लेके हम कुछ बताते हैं, जैसे कि खुद के बारे में बताते हैं, खुद के लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, हम क्या क्या करते हैं बताते हैं, कहीं न्यू जब फ्लैश घूमते हैं उसके बारे में बताते हैं, कुछ भी कैमरा लेके कैमरा के सामने बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्लॉगिंग। ऐसे नहीं कि हम अभी कैमरे के सामने बात कर रहे, ऐसे नहीं, कैमरा मतलब हाथ पर लेके आप खुद के बारे में बताना, खुद क्या कर रहे, खुद का लाइफ स्टाइल क्या, खुद का रूटीन क्या होता है, उसके बारे में आप वीडियो बनाना। दास कॉल्ड ब्लॉगिंग। आपको लिखना नहीं है, ब्लॉगिंग में आपको लिखना है, बट ब्लॉगिंग में आपको वीडियो के सामने बोलना है, दास कॉल्ड ब्लॉगिंग। ओके, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग होते हैं, ब्लॉगिंग मतलब आर्टिकल वगैरह लिख के लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ब्लॉगिंग मतलब वीडियो बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करना, मतलब खुद का वीडियो खुद ही कैमरा लेके बनाना पड़ता है, दास कॉल्ड ब्लॉगिंग। ओके, ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉगिंग क्या होता है अभी तो हम जान चुके हैं, बट उस दोनों को करने का प्लेटफॉर्म क्या होता है, उस दोनों तो हम जान चुके हैं, बट वो किस प्लेटफॉर्म में हम करेंगे, उसके लिए हमको कौन सा फील्ड चाहिए वो तो जानना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के लिए हम नीज के रिलेटेड लिखेंगे, नीज के अकॉर्डिंगली हम जो भी चाहे लिख सकते हैं, कहीं पर लिखेंगे। उसके लिए पहले आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा, डोमेन जैसे कि आपका नीज का रिलेटेड, जैसे कि आपका लाइफ स्टाइल का ब्लॉग है तो आप क्या करेंगे, नीज का रिलेटेड, लाइफ स्टाइल का रिलेटेड, lifestyle.com, lifestyle.in, जैसे भी करके आपका गोडाडी पे जा सकते हो, उसमें आप रेफर करके कुछ भी नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको नीज के रिलेटेड वो ध्यान पे रखना, आपके नीज के रिलेटेड ही डोमेन लेना पड़ेगा। देन आप क्या करेंगे, वो जो डाटा आप जो नीज के रिलेटेड जो भी कुछ लिखेंगे कहीं पे स्टोर करेंगे, उसके लिए कुछ होस्टिंग चाहिए, उस तो लेना पड़ेगा ना, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगर पे जा सकते हो। आप स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टिंग या अभी नए नए स्टार्ट पे आ रहे हैं तो ब्लॉगिंग पे आ रहे हैं तो आप blogger.com पे जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट आपको थोड़ा सा प्रो में जाना है, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हो। वर्डप्रेस क्या होता है कि आपको कस्टमाइज करते हैं, आप खुद डिजाइन कर सकते हो कैसे क्या करना है, किस जगह पे क्या रखना है, बट ब्लॉगर में ऐसे नहीं होता। ब्लॉगर में टेम्पलेट होता है, डायरेक्ट वन क्लिक इंस्टॉल होता है, बस आप आर्टिकल वगैरह लिखना पड़ेगा। बट वर्डप्रेस में आपको कस्टमाइज करना, आप खुद ही कहाँ पे क्या लिखना है आप खुद ही कर सकते हो, बस वो दोनों हो गया। आपको ब्लॉगर का पता चल गया कि क्या आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ, देन वो क्या करें आप सोशल साइट पर शेयर कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह जो भी होता है आपका सोशल साइट, उसमें आप शेयर कर सकते हो। बस आपको पता चल गया कि ब्लॉगिंग कैसे प्लेटफॉर्म क्या होता है। अभी चलते हैं ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म क्या होता है कि यूट्यूब फेसबुक ऐसे ही, मतलब आप एक ब्लॉग मतलब कैमरा लेके हाथ पे कैमरा लेके एक वीडियो बनाया, आप यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपका फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हो, बस हो गया। दोनों चीज़ का प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से पता चल गया। अभी दोनों चीज़ में पैसा कैसे इनकम किया जाए, हमारे इनकम कैसे आ सकता है, उसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लेते दोनों चीज़ कंप्लीट, वो दोनों का जरिया एक होता है, मतलब प्लेटफॉर्म तो अलग अलग हो गया बट जो इनकम होगा लाइक गूगल एडसेंस में मदद से दोनों में पैसा इनकम किया जाता है। जैसे कि मान लेते ब्लॉगिंग में क्या करना पड़ेगा, आप गूगल एड्स आपके साइट पे डालना पड़ेगा, आपका जो आर्टिकल वगैरह होता है उसमें आप गूगल एड्स डालेंगे, कोई भी यूज़र आपके साइट पे आएगा, विजिट करेगा, नहीं तो क्लिक करेगा, तो आपका कुछ इनकम हो सकता है। वो कैसे होगा, आपके साइट ज़्यादा विजिट आएगा तो ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा कि आपका साइट मोनिटाइज हो जाएगा, आपका पैसा आने लगेगा। बट यूट्यूब जो ब्लॉग के लिए यूट्यूब होता है ना,
यूट्यूब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4000 हर्ट्ज कंप्लीट करना पड़ेगा वॉच टाइम, 4000 हर्ट्ज वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर गेन करना पड़ेगा, देन आपके साइड मोनिटराइज होगा, आपके साइड पे तब जितना भी एड आएगा आपसे कुछ पैसा मिलेगा। पहले जो आता होगा नहीं मिलेगा, बट जब मोनिटराइज होगा देन तब आपको मिल सकता है। हो गया, फेसबुक पे भी ऐसे होता है, फेसबुक का अलग होता है, मैं उसके बारे में किसी वीडियो में बात करूँगा। दोनों का प्लेटफॉर्म हो गया, दोनों का प्लेटफॉर्म अलग हो गया, बट जरिया एक है, जैसे कि गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के मदद से दोनों को इनकम होता है, ब्लॉगिंग को इनकम होता है और ब्लॉग वाले को इनकम होता है, दोनों को इनकम और गूगल एडसेंस के जरिए से ही होता है। मैं बात नहीं करूँगा कि जो स्पॉन्सरशिप होता है, मैं ओनली अभी बात करूँगा गूगल, गूगल से थ्रू एड के थ्रू जो इनकम होता है उसके बारे में हम बात करें, बस वही होता है। अभी तक आप सारे के सारे बात क्लियर हो चुके होंगे कि ब्लॉग किसको बोलते हैं, ब्लॉगिंग किसको बोलते हैं, उसमें इनकम क्या हो सकता है, उसका जरिया कौन सा होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, आप अभी तक सारे क्लियर हो चुके हो।